कहाँ जा रहा है? कोई मेरे को नजर तो आया नहीं यार बाहर आज खेलता हुआ। और दूसरी साइड है। कितने बजे तक आ जाएगा? थोड़ी देर में। जल्दी आ जाइयो ठीक है, और सहज हो तो भेज दियो। बाय। तो जा रही है खेलने? हम जा रहे हैं। इतनी ठंड में क्या करेगी? तेरे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े फ्लफी फ्लफी से हैं, क्या कहाँ से लाई है तू ये? सारे ये पूछ रहे हैं, पता ट्यूशन ऐसा लग रहा है तूने ब्लैंकेट पहना हुआ है। पता मैं ट्यूशन गई और दादू के पास गई, दादू की सबसे पहले कह रहे क्या सांता क्लॉज बनी हुई ऐसा लग रहा है ना ब्लैंकेट लपेटा हुआ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और हम हैं एकदम फिट एंड फाइन। 11:15 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर ली है। वीडियो रेंडर हो रही है जो कल का ब्लॉग है उसकी, और आज का प्लान ये है कि हमने अभी जाना है दिल्ली काम से, और मॉम डैड को साथ लेके जाना है, उनको रास्ते में कहीं एक जगह छोड़ना है। एक जगह क्या मतलब चाचे के घर छोड़ना है, क्योंकि चाची हमारी कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थी जो कि डिस्चार्ज होकर अब घर पे आई हैं, तो उनको देखने के लिए जाना है उनको। और उसके बाद फिर मेरे को निकलना है आगे, किसी से मीटिंग है आज मेरी। तो तेरी तो गाड़ी लगा गया अपनी गाड़ी के आगे और अपने निकलना है। गाड़ी लगी हुई है हमारी पीछे, वो हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी को पीछे लगा गया, अब इसको हटवाना पड़ेगा तब हमारी गाड़ी निकलेगी। गाड़ी तो वैसे जानने वालों की हैं, तो चलो उनको बोलेंगे हटाने के लिए और फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। तो अब चलने लगे हैं दिल्ली की ओर, और रास्ते से डैड को लेना है, मॉम मेरी आ रही हैं, तो बस उनको बिठा के दिल्ली चलेंगे, दिल्ली उनको छोड़ के फिर आगे मैं निकलूँगा अपने काम के लिए। भाई साहब इतना ट्रैफिक है ना यार, आज 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1.25 घंटे में क्रॉस हुआ है, और अभी मुझे और 20 किलोमीटर आगे जाना है। अभी सिर्फ मॉम डैड को मैं छोड़ पाया हूँ, और जहाँ मेरे को जाना था जिनके साथ टाइम फिक्स था 2 बजे का, और वो सब अब जो है वो लेट हो चुका है, क्योंकि 2 बजने वो मात्र 10 मिनट बचे हैं और मुझे पहुँचना है अभी 20 किलोमीटर आगे। ये जो पुल है ये जमुना के ऊपर बनाया गया पुल है, पहले यहाँ पंटून पुल हुआ करता था, तो जब हम छोटे थे जनरली इसी पुल से ट्रैवल किया करते थे, पंटून पुल से। ये पुल तो बहुत बाद में बना है, और यहाँ गन्ने के खेत हुआ करते थे और कोल्हू लगे होते थे जहाँ से गन्ने का रस सुबह सुबह हम पी के आते थे। जब ये बना था तो मुझे याद है कि हम बाइक चलाने लायक हो चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इस पुल से निकलने का, क्योंकि खुला लगता था बहुत और अच्छी स्पीड से बाइक भगा लेते थे। ये रोड्स भी बाद में बने, पहले नहीं हुआ करते थे। वैसे तो आई एम ऑलमोस्ट देयर, लेकिन आगे फिर ट्रैफिक जाम है, तो एक बार ट्रैफिक क्रॉस कर लें और जिनसे मिलना है उनसे मिल लें, उसके बाद फिर वापस चलते हुए आपसे दोबारा मिलते हैं। फिलहाल ज़रा ये काम कर लें पहले इम्पोर्टेंट वाला। तो मैं अभी हूँ साउथ एक्स पार्ट 1 में, और जिनसे मुझे मिलना है वो भी 10-15 मिनट उनको लगेगी आने में। तो मैं गाड़ी से बाहर आ गया, मैंने कहा देखूँ ज़रा बाहर के नज़ारे, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ मेरा आज। साउथ एक्स से मैं चल चुका हूँ वापसी के लिए, और तो रास्ते में से अभी मम्मी पापा को भी लेना है मुझे अपने, और लेकिन ट्रैफिक का हाल तो वही है, टाइम यहाँ बहुत लग गया क्योंकि कुछ काम था तो उसमें डिस्कशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। जल्दी से निकलते हैं और मम्मी डैडी को पहले लेते हैं रास्ते से, उसके बाद फिर चलेंगे घर। लॉकडाउन हो रहा है लेकिन सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि अनबेरेबल, मतलब कंपैरेटिवली और दिनों से ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। अब वो पता नहीं लॉकडाउन के डर से है कि किसी और रीज़न से, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। तो जी अब घर आ चुके हैं, और घर आके कुछ खाने का और चाय की क्रेविंग साथ साथ हो रही है, तो मैंने शीतल को बोला कि यार चाय बना दें प्लीज़, और साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खा लेते हैं, और उसके बाद फिर कहाँ गया हुआ है यार सीआर शीतल? अभी आ रहे, नीचे गया हुआ है। नीचे गया हुआ है, अभी आ रहा है, तो फिर उसके साथ जरा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। और टाइम देखो, सिर्फ 2 जगह गए हैं और हार्डली एक जगह 10 मिनट लगे होंगे और एक जगह लगे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 मिनट,
और उसमें देख लो सारा दिन रोड पे ही निकल गया है। जा कहाँ रहे हो तुम? कॉल करते तो मुझे क्यों नहीं बताया? चलो मैं अभी आ रहा हूँ। किसने बनाया ये? होममेड लग रहा है। शायद होममेड गोलगप्पे। सैज की मम्मी ने बनाया है। खा ले फिर चलते हैं ऊपर। यार तू अभी अभी आया है अपने फ्रेंड के घर से और अभी तैयारी तेरी फिर शुरू? Yes. कहाँ जा रहा है? कोई मेरे को नजर तो आया नहीं यार बाहर आज खेलता हुआ। और दूसरी साइड है। कितने बजे तक आ जाएगा? थोड़ी देर में। जल्दी आ जाइयो ठीक है। और सहज हो तो भेज दियो। बाय। ऊपर मैं आ चुकी हूँ क्योंकि बड़े पापा ने मेरे को फोन करके बुलाया था। अब बड़ी अम्मा बड़े पापा को कह रही है सब्जी बनाओ तुम। बड़े पापा सब्जी बनाएंगे आज। क्या सब्जी बनाए? देखो गाइस बेचारी बड़ी मम्मा की साइड लूं मैं। मैं बड़ी मम्मा आ जाओ आपकी लड़ाई कर रही हूं मैं। तेरी साइड है तू? तू लेती उसी की साइड है। मेरी साइड तो कभी कोई होता ही नहीं। बड़ी मम्मा एक सेकंड इधर आओ। और लड़ाई तो अकेला ही होता हूं हमेशा। मेरी साइड कोई लेता ही नहीं। मैं क्या करूं? लेते हैं सारे लेते हैं तो कोई बताता नहीं आपको। कोई साइड नहीं लेता मेरी। सब मम्मा की साइड लेते हैं। तेरी बड़ी मम्मा की या अर्श की या तेरी। मेरी साइड कोई भी नहीं लेता। अर्श की साइड तो कोई नहीं लेता। सिर्फ आप ही लेते हो। मेरा बेटा जो हुआ मेरा बच्चा जो है वो तू जाओ। मैं तेरी साइड भी तो लेता हूँ। नहीं लेते। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं कहती। क्या कर क्या रही है तू कैमरे के साथ? ये ऐसे हमारे वो लड़ाई जैसे होते ना वैसा वाला जैसे जो मैं बोलती हूँ मेरी तरफ फेस आता है फिर जब आप बोलते हो फिर आपका फेस आता है। अच्छा अब तेरी हॉलीडेज हो गई आज से? आज 29th है कल 30th है तो 30th से तो हॉलीडेज हो ही जाती हैं। नहीं होती। नहीं तेरी कब से हो रही है? फर्स्ट से। आज तो वेंसडे है ना। हाँ तो कल थर्सडे और परसों फ्राइडे तो दो दिन पढ़ना पड़ेगा। तो फ्राइडे से होनी है तेरी? नहीं सैटरडे से। यस फ्राइडे तो फिर मतलब क्लास खत्म हुई तो उसके बाद छुट्टी ही है ना फिर सारा दिन। वैसे तो मैंने 2 साल से छुट्टियां ली हुई हैं। वैसे तो तुम्हारे स्कूल बंद ही है। सही बात है। तेरे पापा मुझे कह रहे थे तेरा स्कूल खुलने वाला है। तो फिर खुला क्यों नहीं? नहीं खुला। चाबी ताले की चाबी कहीं घूम गई हमसे? अरे वो कोरोना ओमिक्रोन वगैरह आ रहे हैं ना बढ़ रहे सब। तो अब जा रही है खेलने? हम जा रहे हैं। इतनी ठंड में क्या करेगी? तेरे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। बड़े फ्लफी फ्लफी से हैं। क्या कहाँ से लाई है तू ये? सारे ये पूछ रहे हैं। पता ट्यूशन ऐसा लग रहा है तूने ब्लैंकेट पहना हुआ है। पता मैं ट्यूशन गई और दादू के पास गई। दादू सबसे पहले कह रहे क्या सांता क्लॉस बनी हुई। ऐसा लग रहा है ना ब्लैंकेट लपेटा हुआ। आप कमेंट करके बताना। देखो कितना सॉफ्ट है ये। आप कमेंट करके बताना ब्लैंकेट के कपड़े लग रहे हैं ना इसके। अच्छा देखो और शायद एक बात है चाहे ब्लैंकेट कहीं है पुराने वाला जो वहां का पड़ा था जो सिलवाया तूने लेकिन अच्छे लग रहे हैं तुझ पे। हां तो सबसे पहले जब मैं ट्यूशन जा रही थी तो नीचे मेरे को दादू मिले। वो कह रहे हैं जो पहले वाले बैच के बच्चे है ना वो पढ़ रहे थे वो जा ही रहे थे मतलब तो एक वो बच्चा है वो कहता दीदी अब सांता क्लॉस बन के आ रहे हो। और मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे तो सो क्यों उठ के आई है अच्छे लग रहे हैं जो भी आप कमेंट करके बताना ब्लैंकेट अच्छा लग रहा है इसके ब्लैंकेट नहीं है ये सच्ची कपड़े हैं वो यही मतलब समझा करो ना नहीं मत समझो मेरी बात सुनो बस। हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ लेना यार मैंने समझा दिया सबको। ओके बाय। थोड़ी देर ब्लैंकेट वाले कपड़े में ना अच्छा लगता है आदमी। सो गाइस मैं खेल के तो मैं आ गया था और अब खेल रहा हूँ थोड़ी देर गेम। और आपको पता ही है कि ये टाइम हो गया वीडियो का एंड करने का क्योंकि अब बज गए हैं 9:15। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल आपको नए व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक। और ये भी याद रखें कि हमारे पास एक ही लाइफ है तो लिव योर ड्रीम लिव योर पैशन। गुड बाय।